हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। आज मैं आपके सामने खीर बनाने जा रही हूँ। ये झटपट सिर्फ 4 मिनट में बनने वाली खीर है, तो इसे आप प्लीज़ देखिए। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने किचन पे। मैं आपको आज खीर बनाना बता रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया है। सबसे पहले मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ आपको। ये जैसे कि मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मैं अपना घी लूँगी। ये मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। मैं अब डालूंगी ये भिगे हुए चावल। इस चावल को मैंने 1 कटोरी मैंने एक चावल लिया था, इसे मैंने आधा घंटा भिगाया है। अब मैं इस पर इसे डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ चावल ले लिया है। अब इस घी में मैं थोड़ी देर चावल भूजूंगी, और इसके बाद चावल को थोड़ा सा भूजने के बाद आप इसमें पानी डाल के सीटी लगा दीजिए। नॉर्मल जैसे हम चावल बनाते हैं वैसे आपको बनाना है। बस 5 मिनट के मैं बाद इसे भूज कर फिर इसमें सीटी लगा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चावल हो गया है 5 मिनट के बाद। और अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, पानी डाल दिया है। अब मैं इसे ढक्कन लगा दूँगी और सीटी दे दूँगी। जैसे आप नॉर्मल चावल पकाते हैं आपको वैसे चावल पकाना है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा यहाँ पर चावल बन गया है। कोई बात नहीं, अगर इसका पूरा पानी भी नहीं सूखता है तो आप इतने में आप करिएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने बिल्कुल गैस की जो फ्लेम है उसको बहुत ही लो कर दी है। अब मैं इसमें ये जो मैंने लिया है दूध, ये दूध मैंने आधा केजी लिया है। अब इस आधा केजी दूध को मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और आपको इसे अच्छे से मेस करना है। इस चावल को आप इसी डाड़ू के करछी के सहायता से बहुत अच्छे से मेस करिएगा। ये देखिए, आपको ऐसे पूरा मेस करना है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर एक शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप आपके अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, आपको कितना अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर इतना ही लिया है। और अब मैं इसे भी अच्छे से चला दूंगी। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये मखाने हैं, ये नारियल की गरी है जिसे मैंने क्रश कर लिया है नारियल को, और ये काजू हैं जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये इलायची है हरी वाली जो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। 1 बाय 1 आप इन सबको डाल लीजिएगा। बादाम है, बादाम को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये बादाम मैं डाल रही हूँ। इसके बाद मैं डाल रही हूँ मखाने। इसके बाद मैं डाल रही हूँ अपने काजू। और इसके बाद डाल रही हूँ गरी। इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। और इसे आपको अभी थोड़े से गैस की फ्लेम को लो भी रखना है और आराम से इसे आपको पकाना है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ऐसे ही ये खीर चलाते रहना है और लगातार चलाते रहना है। यहाँ देखिए मेरी खीर बन चुकी है। ये देखिए 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मेरी खीर बनने के लिए, है ना। ये देखिए इसमें कलर भी आ गया है। अब हम इसे एक बर्तन पे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी खीर को तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी केसर वाला दूध। इसमें जो केसर मैंने 2-3-4-5 केसर थे उसे मैंने दूध पे भिगो के रख दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है खीर का। ये देखिए, ये मेरी खीर बनके तैयार है। अब मैं भी अब जा रही हूँ भोलेनाथ जी को भोग लगाने। ये सावन के लिए खीर स्पेशल खीर थी अब ये। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसी लगी आप।